गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले जेई मेन में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इम्पोर्टेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा इजी है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट से। अल्टरनेटिंग करंट में ये जो आपका क्वेश्चन है वो है रेजोनेंस। जब आप LCR में, यानी कि आप पढ़ते हैं LCR सर्किट में, क्या पढ़ते हैं LCR का रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है, XL इजकल टू XC। ये XL क्या है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू होता है ओमेगा L, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। यही होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ओमेगा को इधर बुला लीजिए, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर L इजकल टू 1/C। एल को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 1 अपॉन LC। एल इधर नीचे आ गया, तो यहाँ से अगर आप ओमेगा निकालेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट LC। ये इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। चलिए हम लोग यहाँ से निकाल लें। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन LC ऑसिलेशन, कौन सा ऑसिलेशन, LC ऑसिलेशन। आपको पता है कि LCR सर्किट में जो ऑसिलेशन होता है वो L और C, यानी कि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के बीच होता है, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के बीच। LC ऑसिलेटर इफ़ वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिकम ट्वाइस एंड एट टाइम्स रिस्पेक्टिवली, देन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बिकम्स X टाइम्स। कहा गया कि मान लीजिए कि ये आपका इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी को वो क्या कहा है, ओमेगा नोट का है। अब क्या कहा गया, अब जो है इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो था, लेकिन अब हुआ ये कि जो आपका इनिशियल L का वैल्यू है वो क्या हुआ, ट्वाइस, क्या कहा गया, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस हो गया दो गुना अब 2L हो गया, इनिशियली तो L था, अब फाइनली इंडक्टेंस दोगुना हो गया, और कैपेसिटेंस जो है फाइनली कितना हो गया, 8 टाइम्स बढ़ गया 8 से। पूछा है कि अब बताइए अब उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा, सिंपल, फाइनल फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1 अपॉन अंडर रूट फाइनल इंडक्टेंस और फाइनल कैपेसिटेंस। WF इजकल टू 1 अपॉन फाइनल जो इंडक्टेंस है वो कितना, दोगुना बढ़ गया 12 हो गया, इनटू फाइनल कैपेसिटेंस 8 टाइम्स बढ़ गया, तो WF इजकल टू 1 अपॉन अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 LC, यानी कि 1 अपॉन 16 बाहर हो जाएगा रूट से 4, और यहाँ होगा LC। तो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, इतना अपॉन इतना कर देते हैं, ओमेगा F अपॉन ओमेगा नोट, यानी कि फाइनल फ्रीक्वेंसी अपॉन इनिशियल फ्रीक्वेंसी। फाइनल फ्रीक्वेंसी आया 1 अपॉन 4 अंडर रूट LC, यानी कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी अपना 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो यहाँ से LC से LC गया, तो आपका बचा गया 1 से 1 खत्म, 1/4, यानी कि जो है फाइनल फ्रीक्वेंसी अपॉन इनिशियल फ्रीक्वेंसी का इजकल टू 1/4। फाइनल फ्रीक्वेंसी इजकल टू ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएगा अपॉन 4, यानी कि 1/4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगर दूसरी लैंग्वेज में बोले तो ये 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है X टाइम्स बढ़ जाए, क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकेंड स्टेप का सोल्यूशन, और ये आपका थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप। अब हम लोग फोर्थ स्टेप का सोल्यूशन कर लेते हैं। कहा गया अगर आपका फाइनल फ्रीक्वेंसी X टाइम्स इनिशियल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो बताइए X का वैल्यू कितना होगा, सिंपल, फाइनल फ्रीक्वेंसी कितना हुआ आपका, ओमेगा नोट अपॉन 4 इजकल टू X ओमेगा नोट, ओमेगा नोट से ओमेगा नोट गया, 1 अपॉन 4 इजकल टू X, यानी कि X का वैल्यू कितना हो जाएगा, पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X, X का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 4। तो ये क्वेश्चन का जो बेसिक था वो ये था, आपको रेजोनेंस जब भी कभी LCR सर्किट के लिए LC ओसिलेशन पूछ ले, LC ओसिलेशन का ओसिलेशन तभी होता है जब LCR सर्किट में रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस तब होगा जब XL इजकल टू XC हो जाए। अगर आपको ये भी याद नहीं रखना तो ये याद रखिए सिर्फ कि अगर रेजोनेंस का कंडीशन हुआ तो जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन अंडर रूट LC।
बस यहाँ से आपको न्यूमेरिकल बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल था, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। तो आज यहीं तक।